आचार्य के अभिषेक का विधान। नारद जी कहते हैं, महर्षियों अब मैं आचार्य के अभिषेक का वर्णन करूंगा जिसे पुत्र अथवा पुत्रोपम श्रद्धालुशिष्य संपादित कर सकता है। इस अभिषेक से साधक सिद्धि का भागी होता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। राजा को राज्य और स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इससे अंतःकरण के मल का नाश होता है। मिट्टी के बहुत से घड़ों में उत्तम रत्न रखकर एक स्थान पर स्थापित करें। पहले एक घड़ा बीच में रखें, फिर उसके चारों ओर घट स्थापित करें। इस तरह 1000 या 100 आवृत्ति में उन सब की स्थापना करें। फिर मंडप के भीतर कमलाकर मंडल में पूर्व और ईशान कोण के मध्य भाग में पीठ या सिंहासन पर भगवान विष्णु को स्थापित करके पुत्र एवं साधक आदि का सकलीकरण करें। तदनंतर शिष्य या पुत्र भगवत पूजन पूर्वक गुरु की अर्चना करके उन कलशों के जल से उनका अभिषेक करें। उस समय गीत वाद्य का उत्सव होता रहे। फिर योग पीठ आदि गुरु को अर्पित कर दें और प्रार्थना करें, गुरुदेव आप हम सब मनुष्यों को कृपा पूर्वक अनुग्रहित करें। गुरु भी उनको समय दीक्षा के अनुकूल आचार का उपदेश दें। इससे गुरु और साधक भी संपूर्ण मनोरथों के भागी होते हैं। मंत्र साधन विधि सर्वतो भद्रादि मंडलों के लक्षण। नारद जी कहते हैं, मुनिवरों साधक को चाहिए कि वो देव मंदिर आदि में मंत्र की साधना करें। घर के भीतर शुद्ध भूमि पर मंडल में परमेश्वर श्री हरि का विशेष पूजन करके चौकोर क्षेत्र में मंडल आदि की रचना करें। 256 कोष्ठों में सर्वतो भद्र मंडल लिखें। क्रम यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बराबर 17 रेखाएं खींचें। ऐसा करने से 256 कोष्ठ हो जाएंगे। उनमें से बीच के 36 कोष्ठों को एक करके उनके द्वारा कमल बनावें अथवा उसे कमल का क्षेत्र निश्चित करें। इस कमल क्षेत्र के बाहर चारों ओर की एक एक पंक्ति को मिटाकर उसके द्वारा पीठ की कल्पना करें अथवा उसे पीठ समझें। फिर पीठ से भी बाहर की दो दो पंक्तियों का मार्जन करके उनके द्वारा विथे की कल्पना करें। फिर चारों दिशाओं में द्वार निर्माण करें। पूर्वोक्त पद्म क्षेत्र में सब ओर बाहर के 12वें भाग को छोड़ दें तथा सर्व मध्य स्थान पर सूत्र रखकर पद्म निर्माण के लिए विभाग पूर्वक समान अंतर रखते हुए सूत घुमाकर 3 वृत्त बनावें। इस तरह उस चाकोर क्षेत्र को वर्तुल गोल बना दें। इन तीनों में से प्रथम तो कर्णिका का क्षेत्र है, दूसरा केसर का क्षेत्र है और तीसरा दल संधियों का क्षेत्र है। शेष चौथा अंश दलाग्र भाग का स्थान है। कोण सूत्रों को फैलाकर कोण से दिशा के मध्य भाग तक ले जाएं तथा केसर के अग्रभाग में सूत रखकर दल संधियों को चिन्हित करें। फिर सूत गिराकर अष्टदलों का निर्माण करें। दलों के मध्य तक अंतराल का जो मान है उसे मध्य में रखकर उसे दलाग्र को घुमावें। तदनंतर उसके भी अग्रभाग को घुमावें। उनके अंतराल मान को उनके पार्श्व भाग में रखकर बाह्य क्रम से एक एक दल में दो दो केसरों का उल्लेख करें। यह सामान्यतः कमल का चिन्ह है। अब द्वादश दल कमल का वर्णन किया जाता है। कर्णिकार्धमान से पूर्व दिशा की ओर सूत रखकर क्रमशः सब ओर घुमावें। उसके पार्श्व भाग में भ्रमण योग से 6 कुंडलियां होंगी और 12 मत्स्य चिन्ह होंगे। उनके द्वारा द्वादश दल कमल संपन्न होगा। पंचदल आदि की सिद्धि के लिए भी इसी प्रकार मत्स्य चिन्हों से कमल बनाकर आकाश रेखा से बाहर जो पीठ भाग है वहां के कोष्ठों को मिटा दें। पीठ भाग के चारों कोणों में 3-3 कोष्ठकों को उस पीठ के पायों के रूप में कल्पित करें। अवशिष्ट जो चारों दिशाओं में 2-2 जोड़े अर्थात 4-4 कोष्ठक हैं उन सबको मिटा दें। वे पीठ के पाटे हैं। पीठ के बाहर चारों दिशाओं की 2-2 पंक्तियों को विधि मार्ग के लिए सर्वथा लुप्त कर दें, मिटा दें। तदनंतर चारों दिशाओं में 4 द्वारों की कल्पना करें। विधि के बाहर जो 2 पंक्तियां शेष हैं उसमें से भीतर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती 2-2 कोष्ठ और बाहर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती 4-4 कोष्ठों को एक करके द्वार बनाने चाहिए। द्वारों के पार्श्व भाग में विद्वान पुरुष 8 शोभा स्थानों की कल्पना करें और शोभा के पार्श्व भाग में उपशोभा स्थान बनाएं। उपशोभाओं की संख्या भी उतनी ही बताई गई है जितनी की शोभाओं की। उपशोभाओं के समीप के स्थान कोण कहे गए हैं। तदनंतर चारों दिशाओं में 2-2 मध्यवर्ती कोष्ठकों का और उसके बाह्य पंक्ति के 4-4 मध्यवर्ती कोष्ठकों द्वारा द्वार के लिए चिंतन करें।
उन सबको एकत्र करके मिटा दें। इस तरह चार द्वार बन जाते हैं। द्वार के दोनों पार्श्वों में क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के एक एक और भीतरी पंक्ति के तीन तीन कोष्ठों को शोभा बनाने के लिए मिटा दें। शोभा के पार्श्व भाग में उसके विपरीत करने से अर्थात क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के तीन तीन और भीतरी पंक्ति के एक एक कोष्ठ को मिटाने से उपशोभा का निर्माण होता है। तत्पश्चात कोण के भीतर और बाहर के तीन तीन कोष्ठों का भेद मिटाकर एक करके चिंतन करें। इस प्रकार 16-16 कोष्ठों से बनने वाले 256 कोष्ठ वाले मंडल का वर्णन हुआ। इसी तरह दूसरे मंडल भी बन सकते हैं। 12-12 कोष्ठों में 144 कोष्ठकों का जो मंडल बनता है उसमें भी मध्यवर्तीय 36 पदों कोष्ठों का कमल होता है। इसमें विधि नहीं होती। एक पंक्ति पीठ के लिए होती है, शेष दो पंक्तियों द्वारा पूर्ववत द्वार और शोभा की कल्पना होती है। इसमें भी उपशोभा नहीं देखी जाती। अवशिष्ट 6 पदों द्वारा कोणों की कल्पना करनी चाहिए। एक हाथ के मंडल में 12 अंगुल का कमल क्षेत्र होता है। दो हाथ के मंडल में कमल का स्थान एक हाथ लंबा चौड़ा होता है। तदनुसार वृद्धि करके द्वार आदि के साथ मंडल की रचना करें। दो हाथ का पीठ रहित चतुरस्थ मंडल हो तो उसमें चक्राकार कमल चक्राब्ज का निर्माण करें। 9 अंगुलों का पद्मार्ध कहा गया है, 3 अंगुलों की नाभि मानी गई है, 8 अंगुलों के अरे बनावे और 4 अंगुलों की नेमी। क्षेत्र के 3 भाग करके फिर भीतर से प्रत्येक के 2 भाग करें। भीतर के जो 5 कोष्ठक हैं, उनको अरे या आरे बनाने के लिए आस्फालित मार्जित करके उसके ऊपर अरे अंकित करें। वे अरे इंदिवर के दलों की सी आकृति वाले हों, अथवा मातुलिंग बिजौरा निम्बू के आकार के हों, या कमल दल के समान विस्तृत हों, अथवा अपने इच्छा के अनुसार उनकी आकृति अंकित करें। अरों की संधियों के बीच में सूत रखकर उसे बाहर की नेमी तक ले जाएं और चारों ओर घुमावें। अरे के मूल भाग को उसके संधि स्थान में सूत रखकर घुमावें और अरे के मध्य में सूत्र स्थापन करके उस मध्य भाग के सब ओर समभाव से सूत को घुमावें। इस तरह घुमाने से मातुलिंग के समान अरे बन जाएंगे। 14 पदों के क्षेत्र को 7 भागों में बांटकर पुनः 2-2 भागों में बांटें तथा पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 15-15 समान रेखाएं खींचें। ऐसा करने से 196 कोष्ठक सिद्ध होंगे। वे जो कोष्ठक हैं उनमें से बीच के 4 कोष्ठों द्वारा भद्रमंडल लिखें, उसके चारों ओर वीथी के लिए स्थान छोड़ दें, फिर संपूर्ण दिशाओं में कमल लिखें। उन कमलों के चारों ओर विधि के लिए एक एक कोष्ठ का मार्जन कर दें। तत्पश्चात मध्य के 2-2 कोष्ठ ग्रीवाभाग के लिए विलुप्त कर दें। फिर बाहर के जो 4 कोष्ठ हैं उनमें से 3-3 को सब ओर मिटा दें। बाहर का एक एक कोष्ठ ग्रीवा के पार्श्व भाग में शेष रहने दें। उसे द्वार शोभा की संज्ञा दी गई है। बाह्य कोणों में 7 को छोड़कर भीतर भीतर के 3-3 कोष्ठों का मार्जन कर दें। इसे नवनाल या नवभाग मंडल कहते हैं। उसकी 9 नाभियों में नवयूह स्वरूप श्रीहरि का पूजन करें। 25 व्यूहों का जो मंडल है वो विश्वव्यापी है अथवा संपूर्ण रूपों में व्याप्त है। 32 हाथ अथवा कोष्ठ वाले क्षेत्र को 32 से ही बराबर करके विभक्त कर दें, अर्थात ऊपर से नीचे को 33 रेखाएं खींचकर उन पर 33 आड़ी रेखाएं खींचें। इससे 1024 कोष्ठक बनेंगे। उनमें से बीच के 16 कोष्ठों द्वारा भद्र मंडल की रचना करें। फिर चारों ओर की एक एक पंक्ति छोड़ दें। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 16 कोष्ठकों द्वारा 8 भद्र मंडल लिखें। इसे भद्राष्टक की संख्या दी गई है। उसके बाद की भी एक पंक्ति मिटाकर पुनः पूर्ववत 16 भद्र मंडल लिखें। तदनंतर सब ओर की एक एक पंक्ति मिटाकर प्रत्येक दिशा में 3-3 के क्रम से 12 द्वारों की रचना करें। बाहर के 6 कोष्ठ मिटाकर बीच के पार्श्व भागों के 4 मिटा दें। फिर भीतर के 4 और बाहर के 2 कोष्ठ शोभा के लिए मिटावें। इसके बाद उपद्वार की सिद्धि के लिए भीतर के 3 और बाहर के 5 कोष्ठों का मार्जन करें। तत्पश्चात पूर्ववत शोभा की कल्पना करें। कोणों में बाहर के 7 और भीतर के 3 कोष्ठ मिटा दें। इस प्रकार जो पंचविंशति व्यूहमंडल तैयार होता है उसके भीतर की कमल कर्णिका में परम ब्रह्म परमात्मा का यजन करें। फिर पूर्वादि दिशाओं के कमलों में क्रमशः वासुदेव आदि का पूजन करें। तत्पश्चात पूर्ववती कमल पर भगवान वराह का पूजन करके क्रमशः संपूर्ण अर्थात 25 व्यूहों की पूजा करें। ये क्रम तब तक चलता रहे
जब तक 26वें तत्व परमात्मा का पूजन न संपन्न हो जाए। इस विषय में प्रचेता का मत यह है कि एक ही मंडल में इन संपूर्ण कथित व्यूहों का क्रमशः पूजन यज्ञ संपन्न होना चाहिए, परंतु सत्य का कथन है कि मूर्ति भेद से भगवान के व्यक्तित्व में भेद हो जाता है, अतः सबका पृथक पृथक पूजन करना उचित है। 42 कोष्ठ वाले मंडल को आड़ी रेखा द्वारा क्रमशः विभक्त करें। पहले एक के 7 भाग करें, फिर प्रत्येक के 3-3 भाग और उसके भी 2-2 भाग करें। इस प्रकार 1064 कोष्ठक बनेंगे। बीच के 16 कोष्ठों से कमल बनावें, पार्श्व भाग में विथि की रचना करें, फिर 8 भद्र और विथि बनावें। तदनंतर 16 दल के कमल और विथि का निर्माण करें। तत्पश्चात क्रमशः 24 दल के कमल विथि, 32 दल के कमल विथि, 40 दल के कमल और विथि बनावें। तदनंतर शेष 3 पंक्तियों से द्वार, शोभा और उपशोभाएं बनेंगी। संपूर्ण दिशाओं के मध्य भाग में द्वार सिद्धि के लिए 2, 4 और 6 कुष्ठकों को मिटावें। उसके बाह्य भाग में शोभा तथा उपद्वार की सिद्धि के लिए 5, 3 और 1 कोष्ठ मिटावें। द्वारों के पार्श्व भागों में भीतर की ओर क्रमशः 6 तथा 4 कोष्ठ मिटावें और बीच के 2-2 कोष्ठ लुप्त कर दें। इस तरह 6 उपशोभाएं बन जाएंगी। एक एक दिशा में 4-4 शोभाएं और 3-3 द्वार होंगे। कोणों में प्रत्येक पंक्ति के 5-5 कोष्ठ छोड़ दें। वे कोण होंगे। इस तरह रचना करने पर सुंदर अभीष्ट मंडल का निर्माण होता है।